यहाँ एक बहन की गाड़ी है, धक्का मारी थी तो बोला ये ना बने। अच्छा, वही का ले जानकारी हो कि है तब बड़ा मनोकामना मान्यता कैसे मनोकाम जो भी अपन समस्या बोलते ना पर दुख हर जैसे सवारी आके चलाते हैं। तो आप लोगों को ये तो समझ आ गया होगा कि यहाँ पर सच में मनोकामना जो है पूर्ण होती है, तभी जाके इतने सारे अंदर में और बाहर में चढ़ाए गए हैं। वैसे तो मैंने भी अपने भगवान जी से विश मांग लिया है, अब देखते हैं कि कितना मेरा विश जो है वो पूरा होता है या नहीं। गाइस, यहाँ का जो नज़ारा है ना वो इतना ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। देखो, बहुत दिन से ना ये वाली ग्रीनरी का ना एकदम से सा एक तलब होता है ना, वो चाहिए था। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अर्चु ब्लॉसम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आ चुकी हूँ मंगतू बाबा जी के धाम। यहाँ पर जो है जितने भी आप लोगों की मनोकामनाएं हैं यदि पूरी होती है, तो ये मेरे पीछे यदि आप लोग देख सकते हैं ये घोड़ा जो है वो चढ़ाया जाता है। और ये है डोंडी लोहारा गाँव में है, और ग्राम तो अपना बालोद है, जिला बालोद है, तो वहाँ मैं आई हूँ आज फाइनली। तो चलो चलते हैं अंदर, और कहानी यदि महाराज जी होंगे वो बताएंगे तो बताएंगे, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो चलो जल्दी से दर्शन करते हैं। चप्पल तो मैं पहले ही उतार चुकी हूँ कि मेरा पूरा क्रॉक्स जो है वो गीला हो चुका है, पूरा फिसलन है यहाँ पर। ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर भी एक मंदिर है जो कि हम दर्शन करने के बाद जाएंगे। फिर यहाँ है मंगतू बाबा जी का मंदिर, ये महाराज जी बैठे हुए हैं। ये देख सकते हो आप लोग, अंदर में और भी चढ़ाया गया है, कौन सा मेटल है मुझे भी नहीं पता। और यहाँ पर बड़े बड़े हैं, ये देख सकते हो आप लोग, पूजा पाठ वगैरह ये हम लोग कर सकते हैं क्या? बहुत सारे चढ़ाए गए हैं, आप लोग देख सकते हो। और फिर यहाँ पर है हनुमान जी का मंदिर। जय हनुमान जी। हनुमान जी को मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, फाइनली मेरे हनुमान जी मुझे यहाँ पे मिल गए। ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर शिव जी का भी मंदिर है छोटा सा, और ऐसे शिवलिंग भी बना हुआ है और शिव जी भी है यहाँ पर, ये तुलसी माता जी। और वहाँ पर बहुत सारे आप लोगों को ना इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, घोड़ा जो है चढ़ाया गया। ये इस तरीके से ऐसा गार्डन है जो कि पूरा कीचड़ हो चुका है पानी के कारण। यहाँ बैगिन भैया बूढ़ी जानकारी हो है ना, ये कुटिया रही थी खंभा के, छोटा खंभा के, कि हाँ एक जन की गाड़ी है धक्का मारी थी तो बोला ये ना बने। अच्छा, वही कहने जानकारी हो कि है सब बड़ा मनोकामना मान्यता कैसे मनोकाम जो भी अपन समस्या बोलते ना अपन दुख हर जैसे और दुख हर से कहने सवारी आके चढ़ाते। अच्छा,
मंगतू का कर नाम रही से बाबा के ऊपर गुड़ी ही तो कर अच्छा बाबा ने पी ना ठाकुर के हां मतलब वही दिन वही जा रही से अच्छा लेकिन गुड़ी तो ऊपर नाम वही जा रही से हां ठाकुर देव बाबा हां अच्छा पर नाम वो अलग है ये ठाकुर जी नहीं है मनो आदमी क्यों वो देव लोग है आदमी है माना जान वैसे हर एक ये रहन घुमियार का तो गाइस जैसे आप संख्या देख सकते हो कितने सारे जो हैं तो गाइस ये देख सकते हो यहाँ पर भी काफ़ी सारे घोड़े चढ़ाए गए हैं यहाँ पर भी बहुत सारे काफ़ी सारे जो हैं घोड़े चढ़ाए गए हैं तो आप लोगों को ये तो समझ आ गया होगा कि यहाँ पर सच में मनोकामना जो है पूर्ण होती है तभी जाके इतने सारे अंदर में और बाहर में चढ़ाए गए हैं। वैसे तो मैंने भी अपने भगवान जी से विश मांग लिया है, अब देखते हैं कि कितना मेरा विश जो है वो पूरा होता है या नहीं। यदि पूरा हुआ तो मैं ज़रूर आऊँगी यहाँ पर। गाइज़ यहाँ का जो नज़ारा है ना वो इतना ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है ना जिसकी कोई हद नहीं है, मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। मेरे को बहुत दिन से ना ये वाली ग्रीनरी का ना एकदम से सा एक तलब होता है ना वो चाहिए था, जो कि मेरे को फाइनली मिल गया। फाइनली मॉनसून आ गया, बहुत ही सुंदर वेदर है और बहुत ही सुंदर सा घना घना सा मेरे पीछे आगे सब जगह देख सकते हो आप लोग, बेहतरीन लग रहा है यार, मतलब मैं बता नहीं सकती मेरे को कितना ज़्यादा क्रेविंग हो रहा था इस टाइप के जगह में जाने का।